गर्मी 25 डिग्री पे एसी फिर भी गर्म हो रहा है, बताओ, बिकॉज आई एम हॉट, यू नो। भाई साहब बहुत सारे लॉन्चेस हुए हैं, एक तो उसमें से बहुत ही जबरदस्त है और भी बहुत सारी तगड़ी तगड़ी एक्साइटिंग सी टेक न्यूज आज के इस टीटीएस के एपिसोड में। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज एपिसोड नंबर 187 ऑफ टीटीएस टेक न्यूज। सो लेट्स बिगिन। गाइस टीटीएस का मतलब ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे में बहुत ही छोटे मैनर में टेक न्यूज़ लाकर देता हूँ आप लोगों को। तो अगर आपको पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड टीटीएस की जो टेक न्यूज़ है वो एक सेपरेट टीटीएस चैनल पर शिफ्ट होने वाली है कुछ टाइम में। नीचे पहली लिंक है सेपरेट, जो टीटीएस का चैनल है उसकी जाके पहली लिंक दिया हूँ भाई, जाके सब्सक्राइब कर लो उस पर, तो आपको टेक न्यूज़ वहाँ पर मिलने लगेंगी। बाकी स्टार्ट करते हैं अपनी टेक न्यूज़ अदर कैटेगरी के साथ में। तो अदर कैटेगरी में सबसे पहली और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि भाई BGMI की आ चुका है हमारे iOS डिवाइसेस के लिए। मैंने कल ही अपने iPad के अंदर डाउनलोड किया भाई, सुबह सुबह मजबूत गेम है इधर पे देख लो। तो बस थोड़ा टाइम रुको, iPhone 12 एंड इसमें iPad वगैरह में आपको BGMI का बताने वाला हूँ, थोड़ा टाइम रुक जाओ। बाकी उसके बाद अगर बात करूँ तो भाई JioPhone Next जो है उसका प्राइसिंग आया है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई ये 3500 रुपए का हो सकता है एंड दैट इज़ अ रियली रियली गुड प्राइसिंग भाई। जो स्पेशली लो इनकम वाले लोग आते हैं भाई उनके लिए बहुत बड़ी कन्वीनियंस हो जाएगी इस चीज़ की वजह से। लेट्स सी भाई लॉन्च में तो फिर देखा जाएगा। बाकी उसके बाद अगर बात करूँ तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो सैमसंग का वन UI है उसके अंदर से सैमसंग एड्स रिमूव करने वाला है, मतलब जो उसके कोर एप्लीकेशन है उसके अंदर एड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जो सैमसंग की टीम है उन लोग ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई उसमें से एड्स रिमूव होने वाले हैं। ऐसा होता है तो भाई मज़ा आ जाएगा, बट देखते हैं भाई एक्चुअल में क्या होता है। बाकी उसके बाद अगर बात करूँ तो ये जो एलेक्सा दीदी है ना यहाँ पे जो बैठी है ना, इनके साथ में ऐसा सीन हुआ कि भाई अमिताभ बच्चन की आवाज़ बहुत लोगों को पसंद आती है तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ वहाँ पर आ चुकी है, तो आप अमिताभ बच्चन के साथ में बात कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको 150 रुपये इंट्रोडक्टरी पर ईयर भरना पड़ेगा, तो वो सिर्फ उनकी आवाज़ से बात करने के लिए भरना पड़ेगा। ठीक है भाई, ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब जो बड़ा फ़ैन होगा उनके लिए वो हो सकता है। बाकी यही थी मेन अदर कैटेगरी की न्यूज़। अब हम सीधा स्मार्टफोन की तरफ बढ़ें तो भाई यहाँ पर बहुत सारे लॉन्चेस हुए हैं। हम बात करें अगर इंडियन लॉन्चेस की तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियलमी GT एंड GT मास्टर एडिशन की। रियलमी GT तो भाई एकदम पूरा फ्लैगशिप बना दिया है लोगों ने। स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, 6.43 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में 360Hz का टच सैम्पलिंग दिया हुआ है। काफी तगड़ा फोन बनाया है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, पता नहीं क्यों 42,000 की प्राइस में भाई 8 मेगापिक्सल का इन लोग ने अल्ट्रा वाइड दिया और 2 मेगापिक्सल का फालतू सेंसर उसमें भी दिया हुआ है एंड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। प्राइसिंग 37,999 जो 8128 वाला वेरियंट है, 12/256 GB वाला वेरियंट जो है येल्लो कलर की फिनिशिंग में आता है वो 42,000 का है भाई। उसके बाद अब जो रियलमी GT मास्टर एडिशन है ये मेरे को काफी ज्यादा तगड़ा लगा। इसके अंदर हमको स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये अभी एकदम नया प्रोसेसर है लेकिन भाई जितना लोगों ने टेस्ट किया है और जितना सुनने में आ रहा है भाई ये डायमेंसिटी 1200 के लेवल पे चलता है गेमिंग वगैरह के डिपार्टमेंट में, विच इज लिटरली क्रेजी भाई। एंड मतलब समझ लो ना 865 के लेवल पे है एक 700 सीरीज का प्रोसेसर, 865 के लेवल पे है एंड 865 जो है वो एक फ्लैगशिप चिपसेट है भाई, क्रेजी चीज़ हो रही है। तो सोचो कुछ टाइम रुको भाई, मैं डेफिनेटली मंगाने वाला हूँ ये मास्टर एडिशन को और देखेंगे भाई इसको OnePlus Nord 2 के साथ मेरे को कंपेयर करके देखना है भाई। आई थिंक सो इट माइट बी अ OnePlus Nord 2 किलर, बट OnePlus Nord 2 के अंदर बेटर कैमरा है, वो सारी चीज़ें हम कंपेयर करेंगे जब आने के बाद। डिस्प्ले जो है वही 6.43 इंच का है, फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। अपने पास रियलमी X7 मैक्स है तो ये इधर पे 27,000 में लॉन्च करके इन लोगों का क्या पॉइंट बनता है, 28,000 का लॉन्च किया इन लोग ने 8/128 GB वाला वेरिएंट और जो 8/256 GB वाला वेरिएंट है वो 30,000 का है। तो इन लोग का जो रियलमी X7 मैक्स है वो कहाँ जाएगा भाई, इन लोग ने खुद को ही कंपटीशन बना लिया है, पता नहीं क्या कर रहे भाई। तो किसी को स्नैपड्रैगन फोन पसंद है तो भाई वो ये वाला फोन ले सकता है, लेकिन भाई फोन है दमदार। एंड मोटोरोला का जो फोन है उसको भी मंगा के हम उसको भी टेस्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड रहो भाई चैनल पर, बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोज आने वाली हैं। बाकी दोनों में भाई एक में जो GT है उसमें 4500mAh की बैटरी है, GT मास्टर एडिशन है उसमें 4300mAh की है और 65W का चार्जर है। तो या मतलब ओवरऑल ठीक ठाक सा फोन है लेकिन मेरे को थोड़ा सा प्राइसिंग थोड़ा सा मेरे को ज्यादा लग रहा है। बाकी डायमेंसिटी 778G की बात कर रहा हूं तो सैमसंग ने A52S लॉन्च कर दिया है और भाई ये फोन के अंदर भी डायमेंसिटी 778G प्रोसेसर है और इसमें भी 120Hz एमोलेड डिस्प्ले है, 64MP का मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड इसके अंदर 12MP का है। फोन बहुत ज्यादा तगड़ा लेकिन भाई 40,000 के ऊपर है यूरोपियन मार्केट में, इंडिया में आने के बाद देखते क्या प्राइसिंग लगता है। अगर ये 30,000 के, वैसे 30,000 तो मुश्किल है लेकिन सोचो A52S
30,000 में आ गया तो मजा आ जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर कि ऐसा कुछ होने वाला है। बाकी उसके बाद बात करूं तो आईकू ने आईकू 8 एंड आईकू 8 प्रो चाइना में लॉन्च कर दिया। भाई बहुत तगड़े फोन्स बनाए इस बार इन लोगों ने, लेकिन प्राइसिंग भी इसी तगड़ी है। जो आईकू 8 है उसके अंदर हमको 888 प्रोसेसर देखने को मिलता है, 120Hz एमोलेड डिस्प्ले, फ्लैट डिस्प्ले है, दुनिया भर के 50 मेगापिक्सल वाला कैमरा सेंसर के साथ में आया है, अच्छा फोन बनाया है, लेकिन 42-45,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग है। और जो आईकू 8 प्रो है भाई ये फुल कर्व डिस्प्ले के साथ में आ रहा है, एकदम फ्लैगशिप कैमराज है, जबरदस्त, एंड लेकिन इसका प्राइसिंग जो है ये थोड़ा सा ज्यादा है, 50-55 के ऊपर जा रहा है, 5,000 युआन का बेसिकली। इसके अंदर आपको 120W की चार्जिंग मिलती है, 50W की वायरलेस चार्जिंग मिलती है, 10W की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिलती है, मतलब फोन है दमदार, जब इंडिया में आता है तो देखेंगे भाई। बाकी भाई पिक्सल 5a भी लॉन्च हो गया है, ये फोन है दमदार, लेकिन इंडिया में तो आने से रहा, और है काफी महंगा भी, आई मीन $450 का है। इसके अंदर हमको स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर देखने को मिलता है, 60Hz की एमोलेड डिस्प्ले 6.34 इंच की है, और कैमरा वही 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब देखो पिक्सल है तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं, पिक्सल का कैमरा एकदम बाप होता है, तो आईफोन के लेवल पे कैमरा होगा फॉर श्योर, आईफोन 12 के लेवल पे होगा कि नहीं उसका आइडिया नहीं, लेकिन कैमरा होगा दमदार, बट इंडिया में तो लॉन्च होने जरा, सो बात करके ज्यादा मतलब है नहीं। हम सीधा आप गैजेट्स की न्यूज में पढ़ते हैं, क्योंकि इतनी ही थी स्मार्टफोन की न्यूज। गैजेट्स की न्यूज की बात करूं तो भाई यहां पर MI का बैंड 6 जो है वो टीज कर रहा है Xiaomi वाला, तो जो ये इवेंट होने वाला बड़ा वाला इन लोग का, तो भाई इसके अंदर ही लॉन्च कर सकते हैं इन लोग, तो थोड़ा सा वेट करो भाई, बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें Xiaomi की तरफ से आने वाले हैं ये वाले इवेंट में। बाकी उसके बाद भाई Realme Pad जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसके अंदर हमको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, विच इज इनसेन भाई, अगर AMOLED डिस्प्ले हुआ तो मजा आ जाएगा। सो ये थी गैजेट्स की न्यूज। अब हम सीधा पीसी वर्ल्ड में बढ़े तो यहाँ पर सबसे पहले तो Realme Book Slim की बात करते हैं भाई। हाँ, इन लोगों ने Realme Book लैपटॉप भी लॉन्च कर दिया है, तो ये जो Realme Book लैपटॉप है बहुत दमदार है भाई, बिल्ड क्वालिटी फुल एल्यूमिनियम का बना है, एकदम जबरदस्त, स्पीकर्स वगैरह मस्त है, 14 इंच का 2K डिस्प्ले है, अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले है भाई, बैकलिट कीबोर्ड है एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर है दमदार भाई, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें दो वेरिएंट आता है, एक i3 वाला आता है, एक i5 वाला आता है। जो i3 है वो UHD ग्राफिक के साथ में आता है, और इसकी प्राइसिंग जो है 8GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, मतलब 47,000 इन लोगों ने रखा है, क्या सोच के रखा क्या मालूम भाई, लेकिन है मतलब ओवरऑल काइंड ऑफ फ्लैगशिप टाइप का बनाया है इन लोगों ने, लाइक अगर आप लुक एंड फील की बात करो तो उसमें बहुत ज़बरदस्त है, बट पता नहीं भाई। और जो बड़ा वाला वेरिएंट है i5 वाला वेरिएंट है, उसमें 512GB आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, और रैम वही 8GB है, लेकिन 60,000 रुपये प्राइसिंग है भाई साहब, 60,000 रुपये। तो जो कंपटीशन है भाई HP, Dell एंड Lenovo का नहीं, लेकिन Asus वगैरह की तरफ से तो आपको डेफिनेटली इससे बेटर प्राइस में, इससे बेटर स्पेक्स वाले लैपटॉप आपको देखने को मिल जाएंगे, पता नहीं भाई, लेकिन डिस्प्ले कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो एज होगा, लाइक डिस्प्ले इसका 2K है, मोस्टली ये प्राइस में आपको 60,000 के नीचे सब में 1080p डिस्प्ले देखने को मिलता है, मतलब मेरे को थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा, लाइक अगर ये 50 के आसपास खींचते ना इन लोग, जो बड़ा वाला i5 वाला वेरिएंट है, और वो i3 वाला 40 के आसपास रखते ना भाई, तो मजा आ जाता, क्योंकि फिर इन लोग ये जो Redmi Book आई है उसको भी टक्कर दे पाते। बाकी इसके अंदर PC कनेक्ट करके फीचर दिया हुआ है, आप अपने फोन को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं, बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली। आपको क्या लगता है, मैं इसको मंगा के रिव्यू करूँ क्या, आप लोग बताओ, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। बाकी AMD की तरफ से खबर आ रही है कि भाई AMD में जो Epic सीरीज है उसका अपकमिंग प्रोसेसर आने वाला है 96 कोर्स के साथ में, समझ रहे हो, 96 कोर्स, और उसका डबल उसके अंदर थ्रेड्स होंगे भाई, क्या ही गजब होगा। सो या यही सारी आज की न्यूज थी आज के स्टेटस के एपिसोड में। सो आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो, पसंद आएगी बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।